बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, और क्यों ना हो, 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है, इन बच्चों का अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है, नंबर वन। नंबर टू, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं, और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है, ये जितने भी बच्चे मरे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं, जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। और तीसरी बात, ये जो मंत्री और मेयर, और मेयर ने तो भी कुछ दिन पहले बोला था कि मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वाले एंजॉय कीजिए, ये एंजॉयमेंट है? ये जितने भी लोग हैं इन्हें यहाँ आना चाहिए, मंत्री को तुरंत आना चाहिए, मेयर को तुरंत आना चाहिए, इन बच्चों का गुस्सा झेलना चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए। ऐसे दिल्ली नहीं चलेगी, दिल्ली देश की राजधानी है। आई एम गोइंग टू रेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द पार्लियामेंट। सरकार ने जांच के आदेश दिए, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है, उसको लिए क्या कहना है आपका? जांच तो बहुत करवाते ही है, एक्शन क्या होता है? अरे क्यों नहीं आते यहाँ पे, क्यों नहीं पुलिस से पूछते कि एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? अपने ऊपर एफआईआर करवानी चाहिए इन्हें। ये बैठ के एयर कंडीशन कमरों में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे दिखाते हैं दिल्ली बहुत शानदार है। कहाँ से शानदार हो रखी है दिल्ली? आप देखिए गली गली में तो ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें निकली हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को मर्डर हो गया, तो ये कोई तरीका है? ये जांच बिल्कुल बेमानी है, एफआईआर होनी चाहिए, इन सब के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वो काउंसलर कहाँ है? बच्चे बता रहे हैं कि 12 दिन पहले से बार बार काउंसलर को बोला गया था कि ड्रेनेज सिस्टम खराब है, तो उस काउंसलर की जान बिल्कुल सीधे जवाबदेही नहीं बनती, और उसके जितने भी ऊपर के लोग हैं सबकी जवाबदेही बनती। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.